मातृवत और स्नेह वात्सल्य की प्रतीक और आज के शाम का प्रमुख आकर्षण हम सबको स्नेहिल सुभाषीष देने वाली आदरणीय बड़ी बहन मालिनी अवस्थी जी यहाँ उपस्थित हैं। गजियानुषी हैं हम, कितने अंतर्मुखी, हम कितने पिछड़े हैं, कितने पुरातन हैं, हम कितने उन्मुक्त हैं और हम कितने कितने आज की तारीख में कितने आधुनिक हैं या कितने आगे की सोच रखते हैं, कितने इवॉल्व हैं जिसको कहा जाए, वो देखना हो तो खजुराहो आए। तो इसलिए पहली बार तो इस जगह की जो चुनाव और चयन किया गया उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आभार मुझे बुलाने के लिए। ऋचा, आपने जो प्रश्न पूछे उसमें कई प्रश्न हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये बिल्कुल सच बात है, एक जो आपने अंत में जो बात कही, आज लोक संगीत का सुनना और उसकी जानकारी, उसमें एक खतरनाक ढंग की एक गिरावट आई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और वो इसलिए आई है क्योंकि किसी भी चीज की उपयोगिता या उसका अर्थ हमें समझाने वाला कोई था भी नहीं। और इसमें मैं नए बच्चों को तो बिल्कुल नहीं दोष देती हूँ, उनके माता पिता का सारा दोष है। एक पीढ़ी आई 65-68-70 के दशक के आसपास, 70 जो लिबरेटेड डिकेड मानते हैं, वहां पे एक ऐसी पीढ़ी आई जिसने ढोलक को तो टांग दिया खूटी पर, बल्कि वहां भी नहीं टांगा, कहीं और भेज दिया, और जो ढोलक पे गाते थे उनको भेज दिया गाँव पे, दादी को अलग किया, पोती को दादी से अलग किया, बहुएं सास से अलग हुई, बहुत सुंदर बहाना मिल गया, बच्चों के निरंतर 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 परीक्षाएं चलती रहती। उस परीक्षा से बहुत सुंदर एक व्याजात है कि आप साथ नहीं रहते। और ये सामूहिकता की बात है, लोग सामूहिकता की बात है, इंडिविजुअलिस्टिक की बात नहीं। जो भी इतनी सुंदर बात आदरणीय नंद कुमार जी कह रहे थे, समष्टि और व्यष्टि की बात है। हमारी लोक संगीत या लोक साहित्य, लोक रीतियां, लोक परंपरा, व्रत त्योहार पर्व अनुष्ठान या सोच भी सब समष्टि की है, व्यष्टि की है। लेकिन हर चीज, यदि हम कथा भी कहते हैं, आपने देखा होगा घर में कथा होती है, यदि दो आपकी माँ भी आप भी की भी यही की जड़ें हैं, यदि अकेले एक माँ है घर में जो कि कथा कह रही है, तो कथा का क्या धर्म है? कथा का धर्म है कि ओंकारा भरने वाला होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ? अब अकेले जब पढ़ते हैं तो हमेशा हाथ में अक्षर दिया जाता है, इसीलिए कि जब जब उसका एक खंड संपन्न होता है तो हम उसको एक वहां पर अर्पित करके बताते हैं, अच्छा अब आगे क्या हुआ। यानी कि साक्षी होना अनिवार्य है, यानी सामूहिकता, किसी का सामने होना। एकल परिवारों में, अंतर्मुखी परिवारों में जो स्वार्थ बीच घुस गया है हमारे यहाँ, वहां पर इसकी बहुत संभावनाएं कम होती जा रही। जो आपने पहला प्रश्न पूछा आज भी कितना प्रासंगिक है, तो मुझे लगता है कि जितना मॉडर्न, जितना कॉन्टेम्प्ररी, जितना एंटरप्राइजिंग, जितना लचीला, जितना सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाला जितना लोक संगीत रहा है, ये लोक साहित्य हमारा, उतना तो कोई भी नहीं रहा। आज आप देखिए, मैं एक एक करके यदि बात करूं, आज हम किन चीजों की बात करते हैं? आज योग की बात करते हैं हम। सबसे पहले यहीं पर आए, फर्स्ट कीजिए, सोचिए, हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं। आसान नहीं होता, 70 साल 150 साल की तो पराधीनता हम झेल नहीं पाए, अंग्रेजों के अत्याचारों का आज तक रोना रोते हैं। हम 1000 साल गुलाम रहे, 1000 साल पराधीन रहे, उसमें भी अपने को बचाकर रखा, अपने धरोहरों को बचाने का प्रयास किया, अपने ज्ञान परंपरा को। उस ज्ञान परंपरा को किसने बचा के रखा? ज्ञान ग्रंथ तो वाचिक परंपरा ओरल ट्रेडिशन से बचे रह गए, लेकिन लोक कलाकारों ने उसको एक अलग ढंग से, जो वेद जानते थे उन्होंने संस्कृत में वही ज्ञान कहा, जो तत्पन बसे हमारे यहाँ लोक गीतों में वही बात बहुत आसानी से कह दी गई। हर चीज का मंत्र बता दिया गया हमारे यहाँ, बताया गया कि भाई जो हमारे यहाँ, आपको बताऊं, एक बुंदे, हम यही चूंकि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में एक लोक नृत्य की विधा है पाई डंडा दिवारी, और वो दिवारी पाई डंडा गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन पूजा के दिन होती है, अधिकतर उसको हमारे अहिल भाई लोग करते हैं।
ये भी देखना आश्चर्यजनक है कि बांदा में कितना बड़ा एक ट्री ऑफ फैमिली कैसे है हीरो की, वो बताते हैं मथुरा से आए। और ये जो नृत्य करते हैं उसमें छड़ी डंडे को लेते हैं और उसी से ही सारे नृत्य उनका पूरी जो संरचना है उसी के आधार पर। दिवाली यानी दिवाली, गोवर्धन पर्वत उससे, गोवर्धन पूजा उससे एक दो दिन पूर्व हुई और उसकी पूरा जो इतिहास है वो उसी से जुड़ा है कि जब गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपने चंगुली पे उठाया और कहीं ना कहीं पे आत्मरक्षा स्वाभिमान की शिक्षा समाज को दी कि डरने की आवश्यकता नहीं, आतंकित होने की आवश्यकता नहीं, अन्याय सहना भी अन्याय है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि जगह का जो चयन है खजुराहो वही अपने आप में बहुत बड़ी गहरी बात कह देता है कि जब हमारे यहाँ का ऐसा शिल्प, हमारे यहाँ का कि संस्कृति की एक ऐसी धरोहर जिसको लेकर के शायद वो अपने आप में खजुराहो ही भारतीयता को सबसे सुंदर से बखान देता है कि धर्म क्या है, हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ें किस तरह से दिखलाई गई हैं, दर्शाई गई यहाँ पर। और जो भारतीयों का जो अध्यात्म में हर चीज़ जाती है दर्शन, वो कैसे खजुराहो उसका बहुत मूर्त उसका एक उदाहरण है। और यहाँ पे यदि साहित्य सम्मेलन क्या है, कह लीजिए मीटिंग ऑफ माइंड्स है, एक जैसे सोच के लोग यहाँ मिल रहे हैं, अलग अलग विचार के, अलग अलग विधा के। तो मैं भी यहाँ पे दरअसल अभी आप जब रोक रहे थे तो मैं भी भाग कर वहाँ सुनना ही बैठना चाह रही थी क्योंकि एक से एक विद्वान आए हैं और मुझे लगता है इस तरह के उत्सव ये दूसरा है आयोजन इस तरह का। बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ भी देती हूँ और चाहूँगी कि अगली बार और भी बड़े स्तर पर हो और भी लोग यहाँ पर आ सकें ताकि विद्वानों को सुनना, उनके विचारों को उन पर मंथन करना और भारतीयता उसकी मीमांसा करना, नई पीढ़ी को कैसे हम भारत का दर्शन कराएं, उसके लिए खजुराहो से सुंदर कोई जगह हो नहीं सकती थी। तो मैं बहुत आयोजकों को भी, अपने पूरे लोक नीति को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, जितने जिन्होंने क्यूरेट किया है सबको, सत्येंद्र को, विवेक अग्निहोत्री सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि हमें बुलाया। खजुराहो को मैं तो मैंने कहा ना धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों है तो आपको चार गाने सुनाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर आई हूँ आज लोक साहित्य पर बात करूँगी, ये लिटरेचर फेस्टिवल है, लोक साहित्य भी किस तरह से उसकी जो ज्ञान परंपरा है वो भी हमें सिखाता है, कहीं ना कहीं बहुत उपेक्षित रही है। और जो अभी हम सुन रहे थे मणिपुर के जो मंत्री महोदय कैसे बता रहे थे कि आधा जीवन का ज्ञान उन्होंने दादी से लिया, यही चीज़ें हैं। मैं तो गाती हूँ तो ये गाने आखिर किसने सहेज के रखे, ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा का काम करते हैं। आज इन्हीं के बारे में बताऊँगी तो वो रिकॉर्ड करिएगा। धन्यवाद।